नमस्कार, मैं राम प्रसाद भारती उत्तर प्रदेश मऊ जिला रतनपुरा ब्लॉक में पहुंचे हैं ब्लॉक प्रमुख जी के दरवाजे। आप ऐतिहासिक प्रमुखी जीते हैं और इनका कार्य मेरे संज्ञान में, मेरे जानने में ब्लॉक में प्रथम स्थान, महज कम समय, सीमित समय में कार्य अधिक से अधिक कराए हैं और मजबूती के साथ हम बात कराएंगे। आप जनाब हैं कृष्णा राजभर, प्रमुख प्रतिनिधि। सबसे पहले तो हम अपने ब्लॉक के सभी सम्मानित जन लोगों को धन्यवाद देना चाहेंगे जो आज हमें इस शिखर तक पहुंचाएं और सभी अपने 77 लगभग ग्राम सभाओं में एक सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ हमें। हम बता देना चाहेंगे आपसे कि लगभग हम 40 से 45 वर्ष करा रहे हैं, लोगों द्वारा हमारे क्षेत्र में काम कार्य हो रहा है, कहीं कहीं कार्य पूरा भी कर दिया गया है और बाकी सारी टेंडर की प्रक्रियाएं चालू हैं जो आचार्य संहिता के वजह से रुकी हुई हैं। जैसे ही चुनाव प्रक्रिया खत्म होता है, हमारे ध्यान में क्षेत्र के विभिन्न जितने भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को लिखित करके रखा गया है। उन समस्याओं पर चुनाव खत्म होते ही हम लोग अपना प्रक्रिया चालू किया जाएगा और लगभग 20 से 22 गांवों में हमारे सीसी, नाली, खड़ंजे और संपूर्ण कार्य हो गए हैं, जिसमें गांव के सभी जन लोगों का बहुत ही खुशी का माहौल बना हुआ है। जो लोग इससे पहले लगभग 15 साल पहले कहीं किसी के प्रमुखी में कोई वर्क नहीं हुआ, जगह जगह सभी समस्याएं, नाली की समस्याएं, रोड का समस्या पिछले वर्षों से पड़ा हुआ है, जो कि हम लोग देख कर इसका समाधान करा रहे हैं और हमको पूर्ण विश्वास है कि अगर आप लोगों का साथ सहयोग रहा तो लगभग इस वर्ष अपने कार्यकाल में सभी कार्यों को हम समस्या से समाधान करा देंगे। विगत 15-20 वर्षों से ऐसे प्रतिनिधि और ऐसे ब्लॉक प्रमुख आपको नहीं मिले होंगे, नहीं दिखने को मिले होंगे। आप हैं प्रतिनिधि कृष्णा राजभर जी, देखिए कितने मार्मिक बात कहे हैं। अच्छा, ये प्रमुख जी, इस विकास पे प्रकाश डाला जाए, कहाँ कहाँ आप कार्य है? विकास सबसे पहले तो हमारे ही ग्राम सभा में लगभग इससे पहले, हमको नहीं लगता है कि जब से हम जन्म लिए हैं तब से ये रोड बना हुआ था। हमारे यहाँ ग्राम सभा मुबारकपुर में, धतौड़ा में, फिर यही बगल में आपके जोगापुर हॉस्पिटल के बगल में हरिजन बस्ती है वहाँ पे इंटरलॉकिंग कार्य कराया गया। हमारे यहाँ नाली का समस्या आज से लगभग 70 सालों से थी, जो कि ये पहली बार हमारे द्वारा और प्रधान जी द्वारा बैठकर इस पे चर्चा करके लोगों को इकट्ठा करके इसका निराकरण किया गया और नाली और सीसी दोनों का काम कार्यकाल हमको लग रहा है समाप्त भी हो गया है। बाकी इधर आप चले जाएं बिलौआ की तरफ, बिलौआ में हमारा काम चल रहा है, कुनिया में है, इटौरा में है, ऐसे आप चले जाइए मेवड़ी में सीसी का। आपके ब्लॉक में कितने गांव आते हैं सर? हमारे ब्लॉक में 77 ग्राम सभाएं हैं। अच्छा, सभी ग्राम सभा के लोग संतुष्टात्मक तरीके से आप? देखिए, हमारा विषय ये है कि हम लोगों को संतुष्ट कैसे करें, तो हम जितने भी समस्याएं लोगों की आती हैं हम सबकी सुनते हैं और हमारा पूरा प्रयास रहता है कि हर कार्य, जितने भी समस्याएं हैं सबका समाधान किया जाए और हम इसमें पूरी अपने तरफ से प्रयास करते हैं। आप सुने हैं, देखे हैं कि ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि जी कैसे अपने बातों से संबोधित लोगों को किए हैं और किस प्रकार ये बढ़िया तरीके से समझाए हैं कि भाई मैं 77 ग्राम पंचायत के प्रतिनिधित्व निभाऊंगा और निभाता आ रहा हूं, महज मुझे एक साल नहीं बीता है और मैंने हद से ज़्यादा कामों पर फोकस किए हैं। ये आप और हम सबसे पहले तो आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारी ये प्राथमिकता है कि जहाँ भी नाली, खड़ंजा और सीसी जैसे चक्रोड
ये सारी समस्याएं हैं। सबसे सर्वप्रथमिक मेरा समस्या समाधान ये है कि शिक्षा पर ज़्यादा फोकस है। हमको ये लगता है कहीं कि शिक्षा में अगर कहीं ना कहीं कि वहाँ के वातावरण से अगर समस्या आ रही है तो हम वहाँ के वातावरण को सबसे पहले बदलना चाहेंगे। और ये हमारे यहाँ जो वीडियो है उनको भी अवगत कराया गया है कि 77 ग्राम सभाओं में जहाँ जहाँ स्कूल है, प्राथमिक स्कूल है, जूनियर स्कूल हो, सबसे पहले उसको सुंदरीकरण कराया जाए, वहाँ पे जो भी समस्या है उनको सही कराया जाए ताकि देखने से वहाँ का वातावरण सही लगे और बच्चों का वहाँ काफ़ी ध्यान लगे पढ़ने में। अगर जब वातावरण सही रहेगा तभी बच्चे भी पढ़ेंगे। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव इंडिया। न्यूज लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। प्रमुख प्रतिनिधि जी का आप लोगों ने विचार सुने। मीडिया, मैं पत्रकार हमेशा इनसे मिलता जुलता रहा हूं और इनके विचारों को विगत प्रमुख से अलग है। इनका विचार शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास में ही लगा रहता है। आप चैनल के माध्यम से धन्यवाद। जो भी लोग देख रहे हैं ये चैनल उनको